कैसे आप सोच रहे हो, तो स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गर्मी में ऐसा यूज बताने वाला हूँ कि आप इसे घर पर बिल्कुल ट्राई जरूर करोगे आप। तो गर्मी में आप आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है, तापमान भी बहुत बढ़ रहा है, तो आपने इस तरह के एयर कंडीशनर देखे होंगे जो शादी में ऊपर लगे होते हैं, उनमें से पानी गिरता रहता है जिसमें आप गर्मी बहुत कम लगती है। तो वही वो तो थोड़ा सा हमारे बजट में नहीं आया, वो तो बना बना हुआ आता है। तो हम आज अपने बजट में होम मेड बनाने वाला है, वैसे ही फवारा बनाने वाले हम, तो एयर कंडीशनर बनाने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसे बनाने के लिए हमारे पास ये वाला है, ये वाला फवारा है, हम इसका यूज करके इससे बनाने वाले। तो आप इसे क्या कहते हो, आप किस तरफ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना आप। तो आप इधर देख सकते हो, इसके अंदर हमें सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, खराब नहीं होता है, बस इसके ऊपर ये इसका पंप खराब हो जाता है, इसलिए ये ऊपर वाला आपको ये पाइप दिख रहा होगा, यहाँ से इसको इस तरीके से और यहाँ से इसको कट करना होगा ऊपर से। मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इसका पाइप है ना, उसको छोड़ के नीचे नीचे से खाली खाली जगह को यहाँ से कट करना है अपन को, ये सिर्फ कट करना है अपन को इस तरह के, इसको रहने देना है और यहाँ से इसको कट कर लेंगे इधर से भी दोनों तरफ से। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही मेहनत के बाद मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर ये छोटा सा छेद है, यही है इसका पाइप जो यहाँ से प्रेशर बनाता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसके एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हटा देता हूँ मैं, घिस दूंगा, और यहाँ पे बीच वाली पाइप को मैं रहने दूंगा ताकि इसमें हम पाइपलाइन कर सके इसको। तो इसको चारों तरफ से मैं इसको घिस देता हूँ फटाफट से, तो घिसने के बाद मिलते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इनको अच्छे से कट करके यहाँ पे देख सकते हो इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे घिस दिया इसको आगे से, और इसके सारे पार्ट ये देख सकते हो, तीन पार्ट इसके, ये इसके अंदर लगता है, यही हमारे प्रेशर को मेंटेन रखता है, और ये इसके आगे लगता है जिसको हम कसने पर ये पिचकारी जैसे फुहारे जैसे इसको बदल सकते हैं, इसके प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। और इसके पीछे मैंने इस बिल्कुल यहाँ पे पाइप को निकाल दिया है और सबको यहाँ से घस दिया है, बहुत हार्ड प्लास्टिक थी, बहुत टाइम लगा इसको घिसने में। अब इसको इसको वाटर सप्लाई के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर चाहिए तभी ये हमारा काम करेगा। तो मैंने होली पर एक पिचकारी बनाई थी जिसकी वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी देख सकते हो ये रही वो बोतल, इसमें मैंने बनाया था और इस पिचकारी बनाई थी, इसके आगे की पिचकारी मैंने हटा दी है, और इसके आगे एक मैंने पेन की निप्पल लगाई है देख सकते हो, और यहाँ पे प्रेशर कंट्रोलर है। और अभी इसको इसके छेद को थोड़ा सा बड़ा करके इसके अंदर में फिट कर देता हूँ जल्दी से। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको गर्म करके इसके अंदर फिट कर दिया है, अभी इसको थोड़ा सा प्लायर की सहायता से थोड़ा सा इसको ठोक देते हैं। तो आप देख सकते हो ये बहुत मजबूती से अंदर चला गया है, अभी यहाँ पे इसके कुछ लॉक लगा लेंगे, यहाँ पे इसको बांध देंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको तार की सहायता से अच्छे से बांध दिया है, और यहाँ पे भी मैं फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका दूंगा। तो यहाँ पे अच्छे से चिपक गया, आप देख सकते हो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा प्रेशर में भी, और ये हमारा पाइप है बोतल का, तो इसके अंदर इसको इजीली आ जाएगा टाइटली अच्छे से। अभी इसको भी फिर क्यूब से यहाँ पे चिपका देंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे तो इसको बांध देंगे वायर से, यहाँ पे बांध देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे भी इसको मैंने बांध दिया है, यहाँ पे अच्छे से बांध दिया है टाइटली। अभी इसको भी लगा देते हैं आगे, ये देख सकते हो इस तरीके से ये लग जाएगा, और ये इसके आगे लग गया थोड़ा सा, मैंने इसको साफ़ कर दिया था, गंदा हो रहा था। तो मैंने अभी इसको हम टाइट करेंगे तो फवारा निकलेगा, और ढीला करेंगे तो पिचकारी जैसे निकलेगा। तो इसके अंदर मैं जल्दी से पानी भर के और एयर भर लेता हूँ, फिर आपको टेस्टिंग करा देंगे। चलो टेस्टिंग पर चलते हैं इसकी। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ पे भर लिया है, पानी भर लिया, और इसमें तो अभी अच्छे से टाइटली भर दिया, आप देख सकते हो बिल्कुल बोतल नहीं रही है। तो अभी इसकी टेस्टिंग की बारी है, अभी मैंने इसको फवारे के ऊपर सेट किया है, कसके यहाँ पे फवारा इसमें चलेगा भी। तो यहाँ पे इसी को जैसे ढील दूंगा मैं, यहाँ से खोलूंगा पाइप को, देख सकते हो चल हो गए इतने सही कि अभी आप देख सकते हो, दीवार पर दिखा सकते हो आपको,
अभी आपको कैमरे में सही नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो चारों तरफ फवारा फवारा हुआ होगा। अब इसको कम कर दिया मैंने पूरा, देख सकते हो दीवार आ गिली हो गई है, अभी देख सकते हो दीवार गिली हो गई है। अभी इसके दूसरे इसको थोड़ा सा ढीला देंगे तो इसके पिचकारी जैसे काम करेगा ये। तो अभी मैंने इसको ढीला कर दिया है, अभी आप देख सकते हो ये पिचकारी जैसे काम करेगा बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो दीवार पर देख सकते हो बहुत ही प्रेशर है इसका, बहुत दूर तक काम जाएगा है ऊपर नीचे देख, और भी काम कर सकते हो आप इधर देख सकते हो बहुत सारा, बहुत हाई प्रेशर है इसका देख सकते हो, और बहुत पानी बहुत ज़्यादा चलेगा यहाँ पे। मैं वापस को एक बार फवारे टाइम में सेट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने वापस इसको फवारे टाइम में सेट कर लिया है, अभी आप देख सकते हो कितना अच्छे से काम करता है, देख सकते हो बहुत दूर तक आराम से फैल जाएगा और आसानी से कूलर के सामने आप फैन के सामने कहीं भी लगा सकते हो, आप देख सकते हो बिल्कुल एयर कंडीशनर की जैसे काम करेगा। यहाँ पे थोड़ी देर आप रखने पर देख सकते हो गीला हुआ है पूरा, दूर तक बहुत अच्छे से जाएगा बिल्कुल हवा के कॉन्टेक्ट में जाके फैल जाएगा दूर तक। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसी मेरे द्वारा इन्वेंशन वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।